एलन मस्क ने यहाँ पर जो है ट्विटर को पूरी तरह से खरीद लिया है, और ट्विटर के मालिक बनते ही एलन मस्क ने यहाँ पर जो है कई यहाँ पर जो है बड़े फैसले लिए हैं। और इसमें सबसे पहला फैसला आया है भारत में, यहाँ पर जो है भारत के यहाँ पर जो है 52,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्विटर अकाउंट यहाँ पर जो है बैन किए गए हैं। 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर के बीच ही यहाँ पर जो है ट्विटर अकाउंट भारत में बंद किए गए हैं। इनमें यहाँ पर जो है यौन शोषण, गैर सहमति से यहाँ पर जो है गलत गतिविधियाँ, यहाँ पर जो है संबंध सामग्री को बढ़ावा देने वाले ऐसे कंटेंट को यहाँ पर जो है ट्विटर से यहाँ पर बैन किया गया है, और ऐसे ट्विटर अकाउंट को भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से बैन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गलत गतिविधियों को यहाँ पर जो है ट्विटर से रोका जा रहा है, तो एलन मस्क ने यहाँ पर जो है कन्फर्म कर दिया है कि यहाँ पर जो है कोई भी गलत गतिविधि यहाँ पर जो देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंटेंट यहाँ पर जिसका भी अकाउंट होगा यहाँ पर जो है उसे जल्द से जल्द ब्लॉक किया जाएगा, बैन किया जाएगा। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आप खुश हैं? अपने विचार बताइए, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एलन मस्क ने ट्विटर तो खरीदा, लेकिन यहाँ पर जो है ट्विटर पर आपको ब्लूटूथ अगर आपको चाहिए आपके अकाउंट पर, तो यहाँ पर आपको 660 रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन में 660 रुपये खर्च करते हैं तभी आपकी प्रोफाइल पर यानी ट्विटर अकाउंट पर आपको ब्लूटूथ देखने को ब्लूटूथ यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रिप्लाई मेंशन, यहाँ पर जो है सर्च में प्रायोरिटी, और यहाँ पर जो है कई तरह के बेहतरीन फीचर आपको ट्विटर की ओर से देखने को मिलेंगे। तो ट्विटर अब यहाँ पर जो है इस्तेमाल करना महंगा हो गया है। अगर आपको ट्विटर ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको 660 रुपये यहाँ पर जो है ब्लू टिक के यहाँ पर देने पड़ेंगे, और आपको कई सारी सुविधाएं देखने को तभी यहाँ पर जो है मिलेगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भारत में बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं 3G इंटरनेट, और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि BSNL भी 4G में अपग्रेड हो, तो दोस्तों इसकी तारीख यहाँ पर जो है BSNL कंपनी की ओर से बताई जा रही है कि अगले साल के यहाँ पर जो है फरवरी, मार्च या अप्रैल में हो सकता है 2023 में आपको BSNL में यहाँ पर जो है 4G में अपग्रेड हो जाए, और आपको 4G इंटरनेट यहाँ पर जो है आपके मोबाइल पर देखने को मिल जाए। तो BSNL उपभोक्ताओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। हो सकता है अगले 5 से 6 महीने के बाद आपको BSNL 4G में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए। क्या आप भी व्हाट्सएप पर अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर जो है, और DL और कई तरह के ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज यहाँ पर जो है सर्टिफिकेशन? तो दोस्तों इसके लिए आपको MyJio यहाँ पर जो है GOV यहाँ पर जो है मोबाइल में अपने एक नंबर सेव करना है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है। अगर आपके मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक हुआ हुआ है, आपको 90 13 15 15 15 15 यहाँ पर जो है 90 13 15 15 15 तीन बार है, इस नंबर को आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर जो है अपने मोबाइल में सेव करना है MyJio के नाम से। MyJio यहाँ पर जो है सेव करने के बाद आपको चैट में आकर हाय डिजी लॉकर या फिर यहाँ पर जो है लिखकर आपको शुरुआत कर दी है। जैसे ही आप ये डिजी लॉकर या हाय लिखकर भेजेंगे तो वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा, और आप अपने मनपसंद कंटेंट को यहाँ पर जो है जो भी आपको चाहिए आप डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जियो कंपनी आप लोगों के लिए लेकर आई है जियो का एक 4G लैपटॉप जियो बुक 4G यहाँ पर जो है इसका नाम रखा गया है, जो यहाँ पर आपको 15,000 से अधिक मूल्य यानी 16,000 रुपये तकरीबन देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस जियो बुक 4G का लैपटॉप में यहाँ पर आपको 11.6 इंच की LCD डिस्प्ले यहाँ पर जो है दी गई है, और दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर जो है 15,000 रुपये में आपको ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है कंपनी ने तैयार किया है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए तो फिर आप इस लैपटॉप को ना खरीदें, दूसरे लैपटॉप और कंपनियों को यहाँ पर जो है आप जरूर गौर करें, उन्हें खरीदें, क्योंकि इस प्राइस रेंज में लैपटॉप मिलना और लैपटॉप में आप उम्मीद करते हैं कि बेहतर सुविधा हो तो आपको सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। परफॉर्मेंस जो है वो इसका GPU और CPU यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो हैवी, अगर आप प्रोग्रामिंग इसमें करेंगे तो आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। खरीदने से पहले एक बार यहाँ पर जो है जरूर यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर लीजिए। तो लावा कंपनी भारत में ला रही है जबरदस्त 5G स्मार्टफोन, और जो सस्ते प्राइस में भी आपको मिलेगा और जबरदस्त फीचर में मिलेगा। लावा ब्लेज 5G इसी स्मार्टफोन का नाम है। स्मार्टफोन में 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है, HD रेजोल्यूशन वाली इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है, 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन दिया गया है। दोस्तों स्मार्टफोन में साउंड माउंटेड यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 50 MP का अच्छा कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है, और दूसरा और तीसरा कैमरा आपको देखने को मिलता है। माइक्रो यूनिट इसमें दी गई है, सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा इसमें दिया गया है। बात करें इसके प्रोसेसर की, लावा ब्लेज 5G में आपको डायमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 128 GB का अच्छा स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड 12 पर ये लावा ब्लेज 5G काम करेगा, और वर्चुअल रैम भी आपको देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, और यहाँ पर जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए, जबरदस्त स्मार्टफोन चाहिए, तो आप ये प्राइस वाला अच्छा स्मार्टफोन लावा ब्लेज 5G कंपनी लेकर आइए, जो प्राइस में भी काफ़ी कम कीमत में देखने को मिल रहा है और जबरदस्त फीचर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको इसकी डिस्प्ले पर गौर करेंगे तो इसमें आपको डिस्प्ले जो है वो LCD वाली मिलती है, AMOLED और सुपर AMOLED और OLED वाली देखने को नहीं मिलती। तो डिस्प्ले में आप इसे कम यहाँ पर जो है आंक सकते हैं, लेकिन अन्य मुकाबले में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है।